सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। आज का पंचांग 19 जून 2021 दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, शाम 6:45 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र रात्रि 8:28 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 19 जून 2021 दिन शनिवार, यह सही समय जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भागदौड़ करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है। आज किसी नजदीकी संबंधी के साथ प्रॉपर्टी संबंधित मामलों पर गंभीर और लाभदायक विचार विमर्श होगा। कोई उचित निर्णय भी निकलेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद भी करनी पड़ सकती है। ऐसा करके आपको सुकून भी मिलेगा। दिन की शुरुआत में आपको अपनी गति कम लगेगी, लेकिन अचानक से उत्साह बढ़ने के कारण आप काम को पूरा करके तेजी से प्रयत्न करेंगे। आज कई सारे कामों को निपटाने के कारण अगले कुछ दिनों में आपको आराम महसूस हो सकता है। आपके द्वारा किए गए काम तुरंत फल देंगे। अपने काम का विस्तार बढ़ाने के लिए नए लोगों के साथ हो रही मुलाकात को और गहरा बनाने की कोशिश करें। पार्टनर आपके अधिक करीब आने के लिए प्रयत्न करेंगे, फिर संबंधित तकलीफ कम होने लगेगा। भावनात्मक संबंध सुख दे सकता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से बचें। विवाह संबंधित निर्णय लेना है तो आगे के लिए टाल दें। ऑफिस के वातावरण सुखद रह सकते हैं। सावधानियां, पुरानी नकारात्मक बातों को आज पर हावी ना होने दें। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखने के लिए मेडिटेशन करें। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें तथा उसके साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसे उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाएंगे। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। वैवाहिक संबंध मधुर भी रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी। बात करते हैं करियर की। किसी राजनीतिक अनुभवी इंसान की सलाह और मदद आपके बिजनेस को नई दिशा देगी। फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल होंगे। पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में आपके ऊपर कार्यभार अधिक बना रहेगा। ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर ही रखें। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिनके आप आदि नहीं हैं। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म हो जाएगा।
बात करते हैं सेहत की। आज आप काफी सख्त और अपनी खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाएंगी। यह भी ध्यान रखेंगे अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए शांति से ही आगे बढ़ना ठीक होगा। आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दे तो यह समझ ले कि आलसी और किसी चीज के लिए ऐसे पागल होना दोनों ही ठीक नहीं है। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।